4,52,00,000 से अधिक रुपये की ठगी के बाद प्रकाश में आई थी। दो मशहूर ठग जो इसमें नामी ठग थे, पति पत्नी ब्रजेंद्र कुमार और भावना प्रिया, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, पटना में इस वक्त की सबसे बड़ी ठगी का शिकार हुए हैं पटना के रिटायर PMCH के डॉक्टर ब्रिज लाल। आपको बताते चले, डॉक्टर बिजलाल ENT के स्पेशलिस्ट थे और पटना PMCH में कार्यरत थे। थोड़े दिन पहले ही वह रिटायर हो चुके हैं, जिसके पश्चात एक दंपत्ति के द्वारा 4.5 करोड़ रुपए की ठगी का वह शिकार हो चुके हैं। आपको बता दें, 2016 से यह दंपत्ति उन्हें अपने विश्वास भाजन में लेकर के और 4.5 करोड़ रुपए की 2024 तक वह ठगी कर चुका है। आपको बता दें कि यह नटवर लाल से भी ज़्यादा का सातिर है यह दंपत्ति, और यह दंपत्ति 4.5 करोड़ की ठगी के पश्चात अब देश छोड़ने के अति में फिराक में था। जब इस पटना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पटना पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, और गठन करने के पश्चात आपको बता दें उस दंपत्ति नटवर लाल को दरभंगा से गिरफ्तार किया है, और दरभंगा से गिरफ्तार करने के पश्चात अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं टाउन DSP अशोक कुमार सिंह, जरा देखें। ठगी का मामला आया है सर निकल कर सामने, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों दंपत्ति। हाँ, बात बिल्कुल सही है। कदम कुआं थाना में दिनांक 23/8/24 को 644 प्राथमिकी संख्या दर्ज किया गया था, जिसमें कि 4,52,00,000 से अधिक रुपये की ठगी की बात प्रकाश में आई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत कदम कुआं थाना पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मशहूर ठग जो इसमें नामी ठग थे, पति पत्नी ब्रजेंद्र कुमार और भावना प्रिया, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यह तथ्य के रूप में आया है कि इन दोनों के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर एजेंट बन करके ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट के रूप में इन लोगों ने बहुत भारी पैमाने पर पैसे की ठगी की। इसमें ब्रज कुमार, डॉक्टर ब्रज कुमार थे, उन्हीं के साथ में ये काम करते थे। ब्रजेंद्र कुमार की पत्नी भावना प्रिया काम करती थी, और भावना प्रिया उसमें उनके साथ उनको विश्वास में लेकर के उनके पैसे को जमा करती थी बैंक में, उनके नाम से चेक भी लेती थी और चेक को भी जमा करती थी। उसी क्रम में विश्वासघात करते हुए भावना प्रिया और उनके पति ब्रजेंद्र कुमार तथा उनके दोनों लड़कों, एक लड़का है एक लड़की है, लड़की का नाम प्रज्ञा कुमारी है और लड़का का नाम हर्ष कुमार, ये सारे लोग भी इस केस में मुजारे बने हैं। और ठगी के कुकृत्य इन लोगों के द्वारा किया गया है और बड़े पैमाने पर ठगी की गई। वह PMCH में डॉक्टर के रूप में काम करते थे, अभी रिटायर्ड थे, और उनको विश्वास में लेकर के विश्वासघात करते हुए ठगी की गई है। हालांकि इस किस्म गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी और जो दो हैं शेष की भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। हाँ, ये बहुत पहले से ठगी का, लगभग 2016 से ये लोग ठगी का काम कर रहे थे, और जब उनको पता चला, डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार, डॉक्टर ब्रज कुमार को पता चला, तब उन्होंने FIR दर्ज कराया और फिर ब्रजेंद्र कुमार और भावना प्रिया को इसमें गिरफ्तार किया गया। दंपति नेपाल भागने के तरह, हाँ, जैसा कि पता चल रहा है कि ब्रजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी भावना प्रिया ये लोग नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ठगी की गई थी। ठगी किए गए रुपये को पहचाने के लिए ये लोग देश छोड़ने के फिराक में थे, परंतु इन लोगों को इस बीच में कदम को थाना पुलिस के द्वारा दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत होते हुए इनको जेल भेज दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि 4.5 करोड़ ठगी करने वाला सातिर, अपराधी और दंपत्ति अब गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार होने के पश्चात उससे लगातार कदम कुआं थाने की पुलिस
जब उससे पूछताछ की तो उसने कबूला है कि मैं विश्वास में लेकर के डॉक्टर बिजलाल से 2016 से ही ठगी कर रहा था और अपने पति को भी उनके यहाँ अकाउंटेंट के काम पे रखवा दिया था, जिसके पश्चात वह इतने सारे रुपए को लेकर के अब देश छोड़ने के फिराक में था। हालांकि आपको बता दें, यह देश छोड़ करके नेपाल भाग रहा था और नेपाल भागने से पहले ही पटना पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार करके लालघर भेज दिया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।